दोस्तों आज मैं आपके सामने रॉयल एनफील्ड की एक ऐसा मॉडल का रिव्यू लाऊंगा जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। आज की इस वीडियो में मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रेगुलर मॉडल का रिव्यू करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दी बाइकर्स डायरी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स अप्रैल 2019 से अबव 125 सीसी मोटरसाइकिल में ABS मैंडेटरी हो चुका है। रॉयल एनफील्ड ने यही पे एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। रॉयल एनफील्ड का हर मॉडल अभी ड्यूएल चैनल ABS के साथ आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इसके वजह से जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो है 5,500 रुपीज। दोस्तों अभी आप सामने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का रेगुलर मॉडल देख रहे हैं। दोस्तों इस बाइक का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 1,54,000 रुपीज। दोस्तों अभी ये बाइक ड्यूएल चैनल ABS के साथ आ रहा है। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ड्यूएल कैलिपर 280 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक दिया गया है और इसमें मैंडेटरी ABS भी दिया गया है। आप यहां पे ये ABS सेंसर प्लेट देख सकते हैं। दोस्तों रियर ब्रेक्स की बात करें तो इस बाइक का रियर व्हील में सिंगल कैलिपर 240 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक दिया गया है। क्योंकि ये बाइक ड्यूएल चैनल ABS के साथ आता है इसीलिए रियर व्हील में भी ABS सेंसर प्लेट दिया गया है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में 346 सीसी टू वेल्व ट्विन स्पार्क एयरकूल्ड इंजन दिया गया है जो 5,250 आरपीएम में 19.8 bhp पावर एंड 4,000 आरपीएम में 28 Nm टॉर्क प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इस बाइक का जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है वो कार्बोरेटर टाइप है। इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है और ये बाइक 37 kmpl माइलेज देता है। दोस्तों लुक्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हमेशा एक मस्कुलर क्लासिक लुक के साथ आता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो का शुरू में ही बताया था ये एक क्लासिक मॉडल है, इसीलिए इस बाइक में एकदम सिंपल सा ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया गया है। इस बाइक में ब्लैक कलर का मस्कुलर 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक के साइड में एक क्रीम कलर का डिजाइन दिया गया है और उसके ऊपर रेड कलर से रॉयल एनफील्ड लिखा गया है। दोस्तों इस बाइक का टैंक के साइड में दो टैंक पैड भी यहाँ पे दिया गया है। साइड काउल की बात करें तो साइड काउल ब्लैक कलर का है और क्लासिक 350 का ब्रांडिंग यहाँ पे किया गया है। फ्रंट मड गार्ड ब्लैक कलर का है और फ्रंट फोर्क में ABS भी लिखा गया है। दोस्तों इस बाइक में कहीं पे भी फाइबर यूज नहीं किया गया है, ये बाइक पूरा मेटल से बना हुआ है। दोस्तों इस बाइक का फ्रंट में 35mm टेलीस्कोपिक फोर्क दिया गया है और पीछे गैस चार्ज 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों इस बाइक में डाउन ट्यूब चेसिस यूज किया गया है। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 130 mm है और कार्ब वेट है 192 kg। दोस्तों इस बाइक में फ्लैट टाइप स्प्लिट सीट दिया जाता है और इसका सीट हाइट है 800 mm। दोस्तों टायर्स की बात करें तो इस बाइक का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का ट्यूब टाइप टायर और पीछे 110x90 साइज का ट्यूब टाइप टायर दिया गया है। दोस्तों ये दोनों टायर ही MRF का है। और दोस्तों इस बाइक का फ्रंट रिम का साइज है 19 और रियर व्हील का रिम साइज है 18। दोस्तों ये दोनों रिम ही स्पोक टाइप है। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इस बाइक में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। दोस्तों इसमें स्पीडोमीटर ओडोमीटर दिया गया है और इसके साथ साथ टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, फ्यूल स्टेटस इंडिकेटर भी दिया गया है। हेडलाइट की बात करें तो इस बाइक में पहले की तरह दो पायलट लैंप के साथ 55x60 watt हैलोजन वाला हेडलाइट दिया गया है जो DC में ऑपरेट होता है। इस बाइक में येलो लेंस वाला इंडिकेटर दिया गया है। बैकलाइट की बात करें तो इस बाइक में 5x21 watt बल्ब टाइप बैकलाइट दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल और स्कूटर रिलेटेड न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।